हेलो तो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक और नया वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सब कुछ मान लो कि अगर आपका एलईडी टीवी में सोर्सेस कम हो, सोर्सेस यानी कि मान लो कि एचडीएमआई सोर्सेस, यानी कि दो एचडीएमआई इनपुट है और आप सोच रहे हैं कि तीन से चार डिवाइसेस से कनेक्ट करो, जैसे कि दो डीटीएच यूज करो या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो या फिर आपको मान लो कि फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट करो, ऐसे में उस प्रोसेस को आप कैसे करोगे। बट आपका टीवी में दो ही इनपुट सोर्सेस है एचडीएमआई सोर्स, तो इस प्रोसेस में आपको यूज करना पड़ता है क्या, HDMI स्प्लाइटर या फिर आपको HDMI स्विचर बोल के एक डिवाइस होता है, उसे एक यूज करना पड़ता है। आपका उस डिवाइस का क्वालिटी सही ना हो तो आपको पिक्चर क्वालिटी पे फर्क आ सकता है, पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आता है। वैसे ऑनलाइन से काफी सारे मतलब डिवाइस कम से कम कीमत में मिल जाता है, 400, 500, 600 में मिल जाता है, बट इसमें क्या होता है पिक्चर क्वालिटी में फर्क आ जाता है और साउंड क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे में आप अगर सही क्वालिटी वाला ये प्रोडक्ट हो, थोड़ा कॉस्टली होगा, यानी कि आपको 2000 या फिर 1600 ऐसे कुछ होगा। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ, जो अमेजोन बेसिक प्रोडक्ट है, ये अमेजोन बेसिक आपका स्विचर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिस प्रोडक्ट को मैंने खुद यूज किया। पहले मैंने 3-4 प्रोडक्ट को यूज किया, इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा मुझे इस प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में मुझे साउंड क्वालिटी में कोई फर्क नहीं मिला, यानी कि पिक्चर क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल वैसे के वैसे मेरा बढ़िया क्वालिटी है। थोड़ा कॉस्टली है प्रोडक्ट, तो आप अगर चाहो तो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। और प्रोडक्ट आप लोगे कहाँ से, ये सारा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक दोस्तों। बट इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर नया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल करेंगे, मेरे इस चैनल पर ऑलवेज आपको इसी तरह छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो में देखो प्रोडक्ट कौन सी है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, कहां से वो परचेस कर सकते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, सारा डिटेल्स देखते हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट जिसे कि मैं बता रहा था, अमेजन बेसिक है, ये अमेजन कंपनी का ही है, आपका HDMI स्विचर है ये, यानी कि आपका मतलब टीवी में अगर सोर्सेस कम, यानी कि HDMI इनपुट कम हो तो आप कुछ मतलब इससे और ज़्यादा कर सकते हो, HDMI इनपुट ज़्यादा कर सकते हो उस पर। क्योंकि हालांकि मेरे टीवी में दो ही मतलब HDMI इनपुट था, मैंने फायर टीवी स्टिक को एक 4K फायर टीवी स्टिक को ऐड करके रखा था और MI स्टिक को ऐड करके रखा था। तो फिलहाल मुझे एक एयरटेल DTH को HD कनेक्शन को भी ऐड करना है, सो मैंने इसे सिलेक्ट किया। इसे सिलेक्ट करने के बाद मुझे कोई कम्प्लिकेसी नहीं मिला, साउंड क्वालिटी हो चाहे वो पिक्चर क्वालिटी हो, उसमें कोई फर्क नहीं, बढ़िया क्वालिटी मिल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 इनपुट है और एक आउटपुट है, आउटपुट जाके आपका टीवी में कनेक्ट होगा, बाकी इनपुट में आपका डिवाइस को कनेक्ट होगा। चलिए तो इसे कनेक्शन करके देखते, कनेक्ट कैसे करते देखते। यह है वो मेरा टीवी जिसमें मैं दो ही इनपुट बता रहा था HDMI। यहाँ पे मैंने देखिए एक एयरटेल डिजिटल टीवी का सेटअप बॉक्स लेके रखा है जिससे मुझे कनेक्ट करना है। तो मेरा दो HDMI सोर्सेस है, तो इसमें मैं एक और कैसे कनेक्ट करूँ, तो इसी डिवाइस को यूज़ करके मैं कनेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारा कनेक्शन यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक मेरा 3-port HDMI स्विचर, 4K 3-in-1 आउट ऑडियो स्विचर। देखिए MI स्टिक मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है इसके साथ, और साथ में 4K 5TV स्टिक भी एक मैंने कनेक्ट करके रखा है इस डिवाइस के साथ। तो यहाँ पे देखिए वो डिवाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था, देखिए अमेजन बेसिक है ये, यहाँ पर देखिए सारे कनेक्ट करने वाला ऑप्शंस दिया हुआ है। देखिए मेरा MI स्टिक यहाँ पर कनेक्ट है, ये MI स्टिक, फिर मेरा एक छोड़ के रखा है जिसपे मैं एयरटेल डिजिटल भी कनेक्ट कर, ये मेरा एक्चुअली ये चला गया डायरेक्ट मेरे टीवी पे, आउटपुट है ये, यहाँ से डायरेक्ट टीवी पे कनेक्ट होगा जाके ये वाला ऑप्शन, और बीच में मेरा जो ये वाला टीवी में जाके कनेक्ट होगा, ये हो गया मेरा 4K 5TV स्टिक जो मैंने कनेक्ट करके रखा है इसके साथ में। तो इस डिवाइस के साथ एक रिमोट भी आता है, रिमोट से स्विचिंग करके आप अपने सोर्सेस चेंज कर सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ से देखिए एकदम लास्ट वाला जो है, देखिए ये मेरा फायर टीवी स्टिक कनेक्ट है और इसका साथ में यहाँ से देखिए मैं बता दूँ आपको, ये एक फायर टीवी स्टिक कनेक्ट है और साइड में मेरा MI स्टिक, ये फायर टीवी स्टिक का कनेक्शन है, और यहाँ पे मैं एयरटेल डिजिटल टीवी को फिलहाल कनेक्ट करूँगा, ये वाला जो HDMI केबल है जाके डायरेक्ट मेरा टीवी के साथ कनेक्ट हुआ, तो इसी से मुझे टीवी में सप्लाई मिलेगा। और बाकी यहाँ पे देखिए जो बीच वाला ऑप्शन खाली था, इस पर मैं अपना एयरटेल डिजिटल टीवी को कनेक्ट कर लूँगा, कनेक्ट करने के बाद उस पिक्चर्स को देख सकते हो आप। तो इसका कीमत है इसका आपका 2000 है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हो, आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो, बेटर क्वालिटी अमेजन बेसिक कंपनी का है डायरेक्ट अमेजन का। तो अब यहाँ से जाके इसे ले, देखिए मेरा ये मतलब ईजिली मेरा पिक्चर्स आ चुका है, इसके साथ में एक रिमोट भी आ रहा है, रिमोट से स्विचिंग करके आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी आपका डिवाइस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करना है तो आप ले सकते हो इस प्रोडक्ट को, जो कि मैंने खुद यूज़ करके देखा है, इस प्रोडक्ट में कोई कंप्लिकेसी नहीं है। इससे पहले मैंने 2-3 प्रोडक्ट लाया था, 2-3 प्रोडक्ट वापस किया है,
मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से, कुछ में पिक्चर्स क्वालिटी में फ़र्क आ रहा था, फिर कुछ में आपका ऑडियो क्वालिटी सही नहीं आ रहा था, कुछ में सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, ऐसे प्रॉब्लम्स था। बट इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे मतलब सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिला। सो आप अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस प्रोडक्ट का, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो 2000 का ये प्रोडक्ट। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।